हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रामकिशन, आप देख रहे हैं श्री कृष्ण ऑटो सर्विस। तो दोस्तों, जैसे कि ये है हमारे पास MT15, ठीक है, ये हमारे का MT15। तो फ्रेंड्स, ये जो गाड़ी हुआ है मतलब 6 महीने की लगभग होगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं है इस गाड़ी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, गाड़ी चलते चलते अचानक मतलब 1-2 दिन चलने के बाद क्या हो रहा है, बैटरी जो है डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो सुबह फिर क्या करते हैं, धक्का लगा के स्टार्ट करके सारा दिन चलाता है, फिर जब रात को रख देता है फिर सुबह वही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जैसे कि मतलब बैटरी डाउन हो जाना। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ, तो जो बैटरी है, बैटरी शुरू पे मतलब दिखा कर लेकर आया तो बैटरी उन्होंने चेंज कर दिया, जैसे कि देख सकते हो ये बैटरी मतलब बिल्कुल नया बैटरी है, ठीक है। इसको बैटरी को मतलब चेंज कर दिया शोरूम वाले ने, 2 वीक रखा था, ठीक है। फिर पता नहीं क्या चेक किया क्या चेक नहीं किया, तो फिर क्या हो रहा है, जब लेकर आया शोरूम से गाड़ी को, फिर दूसरा दिन ही फिर क्या रहा हो रहा, मतलब सेम वही प्रॉब्लम हो रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। तो मतलब जो बैटरी था फिर वही के प्रॉब्लम है, मतलब डाउन हो जा रहा था, ये मतलब बिल्कुल नया बैटरी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो है मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पे, अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो जानना भी चाहिए आप लोगों को कि क्यों प्रॉब्लम ये हो रहा है, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है तो जान लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले हम क्या करते हैं, अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मतलब गाड़ी तो अभी सही हो चुका है, जैसे कि ठीक हमने कर दिया जो प्रॉब्लम था। अब मैं प्रॉब्लम बताने वाला हूँ, जैसे कि देख सकते हो अभी मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो कल हमने क्या किया था, सही कर दिया था, और आज रिजल्ट मिल चुका हमको सुबह, मतलब जो प्रॉब्लम था ना फ्रेंड्स, ये जो सॉकेट होता है OBD कनेक्टर होता है ये ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है OBD कनेक्टर होता है, और इसमें लगा हुआ था ये डिवाइस, ठीक है, मतलब ये डिवाइस लगा हुआ था, 6 महीने के करीब चला है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जैसे कि ये जो डिवाइस था ना फ्रेंड्स, जब इग्निशन ऑफ होता है तब मतलब इग्निशन ऑफ है, ठीक है। फिर भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो डिवाइस है देख सकते हो काफ़ी गर्म हो रहा था ये डिवाइस, जैसे कि देख सकते हो इस जगह पर मतलब गल गया पूरा, ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये पूरा गल चुका है, मतलब ये जो डिवाइस है ये ख़राब है। अगर हम इसमें लगा कर रख देंगे तो क्या होगा, कुछ देर तक गाड़ी चलेगा, चलते चलते फिर अचानक क्या होगा, जो डिवाइस है गर्म हो गए, बैटरी का जो चार्ज है वो डिस्चार्ज कर देगा, फुल्ली डिस्चार्ज, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, जो ये डिवाइस है इसको खोल दिया, फिर जो रिजल्ट मिला हमको अभी सही मिला है, ठीक है। तो अब मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा है, एक इसमें क्या आ रहा है, इंजन चेक लाइट का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, जो ये इंजन चेक लाइट होता है इसका प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो उसका हम सोल्यूशन दिखने वाले हैं, बाकी में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें OBD कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं ये जो इंजन चेक लाइट आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर कोड दिखाता है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। इसको हम खोला ही छोड़ देंगे, और ये जो डिवाइस है देख सकते हो, ये जो डिवाइस है ना फ्रेंड्स, जो इसमें क्या हुआ, फीचर्स जो दे रखा है ना, इसमें ब्लूटूथ वगैरह फीचर्स दे रखा है, तो उसी का डिवाइस है ये, तो ब्लूटूथ कनेक्टर होगा शायद, ठीक है, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है, इसका कोड भी आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए OBD कनेक्ट करते हैं इसमें। तो गाइस, हमने OBD स्कैनर मतलब जो इंस्टॉल कर दिया, जैसे कि देख सकते हो, अब जो गैरेज प्रो एप्लीकेशन है उसको हम ओपन करते हैं और इसमें अलाउ करते हैं, क्योंकि इसमें अभी एक बार भी मतलब इंस्टॉल नहीं किया गया। चलिए, इसको अलाउ कर दिया हमने और इसका स्कैनिंग कर लेते हैं, जो डिवाइस है RPM कर देगा, चलिए इसको कर लेते हैं, कन्फर्म कर देते हैं, और चलिए इसका पासवर्ड तो जैसे कि पता होगा फ्रेंड्स, पहले भी बताया मैंने, चलिए अभी तो देना होगा जो गाड़ी का नाम दिखाता है वो नाम हमको डालना होगा। चलिए ये सेटअप पहले कर लेते हैं हम। गाइस देख सकते हो जो स्कैनिंग है, स्कैनिंग चल रहा है और इसमें फॉल्ट कोड 2 दिखा रहा है, ठीक है, बेसिक स्कैन में 2 फॉल्ट दिखा रहा है, तो जो एरर कोड है वो तो बताऊंगा। तो पहले क्या कर लेते हैं, पूरा स्कैन कर लेते हैं, और इसमें जो चेसिस नंबर है ये दिखा रहा है यहाँ पर, तो सेम है, मैच कर लिया हमने, इस पर देखते हैं। तो जो फॉल्ट कोड दिखा रहा है ये कोड है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स इसका डिटेल जो है, स्कैन कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि फुल स्कैन हो चुका है और इसमें जो एरर कोड दिखा रहा है गाइस, तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, और ये देखिए टोटल पोजीशन सेंसर बता रहा है, और इसका जो एरर कोड है P0123, ठीक है, और ये जो है इसका एरर कोड डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखा दिखा रहा है। तो चलिए हम इसको
क्या करते हैं, जो फॉल्ट कोड है उसको क्लियर करते हैं फाइनली, ठीक है, उसको क्लियर कर देते हैं और इंजन ऑफ, इग्निशन ऑन, ठीक है, ऐसे रखना होगा। चलिए पहले देखते जो एरर कोड है, फ्रेंड्स देख सकते हो जा चुका है फाइनली, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाइए फ्रेंड्स। देखिए एरर कोड जा था, मतलब चल चुका है, मतलब चल गया पूरा। चलिए एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्कैन हो रहा है अभी, ठीक है गाइस, देखिए जो एरर कोड था वो बिल्कुल चल चुका, मतलब कोई भी एरर नहीं था फिर भी वो अपने आप ही आ चुका था, मतलब अभी चल गया। और पूरा इसको रिफ्रेश कर लेते, तो थोड़ा सा टाइम देते, इसको रिफ्रेश होने में टाइम लगेगा। तो गाइस फाइनली जो रीड कोड था, मतलब रिफ्रेश हो चुका है रीड कोड, ठीक है, और कोई भी मतलब एरर कोड नहीं आ रहा है जैसे कि देख सकते हो। चलिए क्या करते, इसको एग्जिट कर देते और यस कर देते, काम हमारा हो चुका है, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इग्निशन ऑफ करते हैं फाइनली, फिर ऑन करते हैं, ठीक है। अब चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, देखिए चल गया। तो गाइस जैसे कि गाड़ी हमारा अभी मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है। तो मतलब इस पर कोई भी एरर कोड नहीं था, फिर भी जो इंजन चेक लाइट आता था, तो क्या होता है कुछ बार मतलब अपने मन में डाउट होता है कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, कुछ है कि नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया, ठीक है, जो इसका प्रॉब्लम था बैटरी डाउन वाला प्रॉब्लम था वो इसी से हो रहा था, बैटरी डाउन, ठीक है। तो इसको हमने खोल दिया, खोल के रखेंगे, अगर नया मिलता तो नया लगाएंगे, नहीं तो इसको खुला छोड़ेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, OBD कनेक्टर होता है, OBD कनेक्टर में यही लगा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक भी दे देना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में नया टॉपिक के साथ, टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।